गुड मॉर्निंग, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं पिछले 6 दिन से एक्टिव नहीं था। एक्चुअली फैमिली वेकेशन था, मैं फैमिली के साथ कहीं बाहर गया हुआ था और वहाँ पे नेटवर्क इशू था, तो ना मुझे फ़ोन पे बहुत ज़्यादा एक्सेस मिल पा रहा था नेटवर्क का कि मैं कोई वीडियो बना सकूँ या फिर अपडेट कर सकूँ। बट हाँ, मैं आज से रेगुलर हूँ, तो आज से आपको हर वीडियो डेली देखने को मिलेगा। मैं हर दिन वीडियो प्लस शॉर्ट्स दोनों डाला करूँगा। तो चलिए सबसे पहले कैश का डेटा डिस्कस कर ले। तो यहाँ अगर कैश का डेटा देखें तो आपको दिखेगा जो FIs है, नेट सेलर है, 308 करोड़ के आसपास की इन्होंने सेलिंग, वही DIs की बात करें तो लगभग 1250 करोड़ के आसपास इन्होंने कैश में बाइंग किया। अगर आप ये नंबर देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा नंबर हो रहा है, लगभग 1400 करोड़ के आसपास सेलिंग का फिगर है, सॉरी 14000 करोड़ के आसपास, वहीं पे आपको 13500 के आसपास ये बाइंग का फिगर, जो नॉर्मल नंबर है यहाँ पे, जो नॉर्मल इनका 7000-8000 के आसपास होता है, उससे यह नंबर कहीं ज्यादा है। चलिए अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव का डेटा देखें तो डेरिवेटिव का डेटा में आपको देखने को मिलेगा जो क्लाइंट है उन्होंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया लगभग 5000 के आसपास, थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट किया। जो DIIs है उन्होंने कल शॉर्ट कवरिंग की, प्लस FIIs ने यहाँ पे थोड़ी बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग की है। प्रॉप डेस्क भी यहाँ पे 1400-1500 के आसपास शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए दिखे, तो बहुत ज़्यादा हमें फ्यूचर के अंदर एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। 2700 के आसपास पोजीशन जो है ये क्लोज की गई, जो मार्केट है वो रेड में क्लोज हुई, तो ये एक लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। अगर हम ऑप्शन के डेटा की बात करें तो यहाँ आपको दिखेगा जो कल के लिए जो बड़े प्लेयर है वो शॉर्ट पोजिशन कैरी कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है मार्केट का सेंटिमेंट वीक रह सकता है। तो ओवरऑल अगर हम डेटा पॉइंट का कंक्लूजन निकालें तो कैश का डेटा हमें एक स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। फ्यूचर का डेटा को हम न्यूट्रल लेके चलेंगे, विथ वीकनेस बायस, रीजन बींग क्योंकि यहाँ पे पोजीशन क्लोज की गई है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, प्लस ऑप्शन का डेटा हमें एक वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। तो मेजॉरिटी डेटा पॉइंट अगर हम देखें तो कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहा यहाँ पे, नहीं दे रहा है, एक न्यूट्रल है, एक वीकनेस है, प्लस एक स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। तो डेटा पॉइंट से हमें कोई खास यहाँ पे साफ सिग्नल नहीं देखने को मिल रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन के अंदर शॉर्ट पोजीशन कैरी की जा रही है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत नीचे को आए, देन आफ्टर हमें सेकंड हाफ में एक पुल बैक देखने को मिले, ये डेटा पॉइंट में क्लियर हो रहा है। बट हम कोई भी जो ट्रेड है हम सिर्फ डेटा पॉइंट के बिहाफ पे नहीं लेते, हम प्राइस एक्शन को जरूर कंसीडर करते हैं और हम डेटा पॉइंट को सिर्फ एक रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, बाकी जो ट्रेड होता है हम प्राइस एक्शन पे डिसाइड करते हैं। तो चलिए चार्ट पे चल के देखें तो पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि निफ्टी में एक अच्छा अप मूव था, देन आफ्टर हमें यहाँ एक फॉल देखने को मिला। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो निफ्टी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा स्पेस दिख नहीं रहा है नीचे को भी ट्रैवल करने का या फिर ऊपर को भी। ऊपर में यहाँ से एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली जो कि 18640 के आसपास का है, इट मीन्स कि जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता हम लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे। नीचे में ये सारे हमें सपोर्ट का एरिया दिख रहा है जो 18500 के आसपास का है, तो इट मीन्स कि अगर नीचे आता है तो 500 लाइक 50-60 पॉइंट हमें नीचे को देखने को मिल सकता है, या ऊपर आता है तो ऊपर हमें 50-60 पॉइंट देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है। तो इट मीन्स कि निफ्टी यहाँ पे एक रेंज में रहने के चांसेस है, तो बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि 50 पॉइंट नीचे आया, देन आफ्टर फिर ऊपर आया, फिर हमें एक वॉलिटिलिटी देखने को मिले। तो निफ्टी में कोई खास ट्रेड यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, बट हाँ हम एक छोटा सा रिस्क में यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं कि अगर निफ्टी मान लीजिए कि इस स्विंग के नीचे निकलता है जो कि 520 के आसपास का लेवल है, तो हम यहाँ पे कम क्वांटिटी मतलब 25% क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। 25 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और 1:2 के लिए प्लान करेंगे। यहाँ आने के बाद फिर निफ्टी कोशिश करेगा एक बेस बना के यहाँ से बाउंस करने का, तो बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। और ऊपर में हम लॉन्ग करेंगे तो इसके ऊपर लॉन्ग करेंगे 640-650 के ऊपर। चलिए बैंक निफ्टी देख ले। बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी नीचे के लिए थोड़ा स्पेस बच रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद इस स्विंग को क्रॉस करता है जो कि आपका 950 का लेवल है, 43950 के नीचे निकलता है, तो हम यहाँ पे एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 50 रुपये के स्टॉप लॉस से। अगर ये फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करता है तो नीचे में हम यहाँ पे 100 रुपये तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 100 से 150 का, तो 50 रुपये के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करेंगे। 1:2 के लिए हम बैंक निफ्टी को प्लान करेंगे। ऊपर में बैंक निफ्टी हम तभी लॉन्ग करेंगे जब यह 44200 के ऊपर निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिल रही है बार बार, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक सेलिंग देखने को मिली, यहाँ देखने को मिली, देन आफ्टर यहाँ पे भी हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, इट मीन्स कि यहाँ पे सेलर हैं। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा लॉन्ग ट्रेड नहीं हम इनिशिएट करेंगे। अगर फ्लैट खुल के ये नीचे आता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 के लिए हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट प्लान करेंगे। चलिए स्टॉक्स देख ले। तो पहला स्टॉक जो चार्ट पे अच्छा लग रहा है यूनाइटेड स्पिरिट, यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद 890 के ऊपर निकलता है तो हम लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ पे 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 के लिए हम इसको प्लान करेंगे। ये कोशिश करेगा 900 तक का लेवल, 900-910 का लेवल इसको रीटेस्ट करने का, तब तक इजिली हमें अपना 1:2 मिल जाएगा। शॉर्ट के लिए स्टेट बैंक अच्छा लग रहा है, अगर स्टेट बैंक फ्लैट खुलने के बाद 577 के नीचे निकलता है तो हम एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पे।
₹2.5 से ₹3 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 के लिए इसको प्लान करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है आयशर मोटर, यहाँ पे भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद 3580 के नीचे निकलता है तो हम इमीडिएट शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ₹10 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 के लिए प्लान करेंगे। ये कोशिश करेगा इस स्विंग को रिटेस्ट करने का, तो यहाँ तक ये आ सकता है। तो ये फ्लो में आएगा तो हमें इजिली 1:2 मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखें तो बर्जर पेंट, यहाँ पे भी एक चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा, ये अपमूव में चल रहा था बट अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये हायर हाइज के फॉर्मेशन में कंटिन्यूसली चल रहा था बट यहाँ से पिछले 4-5 दिन से होल्ड कर रहा है और आज ये ब्रेकआउट देने की कोशिश किया यहाँ पे बट ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिख रहा है। तो इमीडिएट यहाँ पे सेलिंग आ रहा है। तो कल अगर ये मान लीजिए 645 के नीचे निकलता है या फिर 646 के नीचे निकलता है तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। ₹2.5 से ₹3 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 के लिए हम यहाँ पे प्लान करेंगे। जो सबसे बेस्ट ट्रेड मुझे लग रहा है वो हमें कल USD INR में मिल सकता है। ये हमने कल डिस्कस किया था, पहले हम 1 घंटे के चार्ट पे इसको डिस्कस कर ले। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो है ABC का फॉर्मेशन हो रहा था, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, इस मूव को हमने A काउंट किया था, फिर यहाँ पे B काउंट हुआ था और यहाँ पे हमने ये प्लान किया था कि सी का फॉर्मेशन आएगा जो कि 5 वेव में आएगा, जो हमें इजीली यहाँ देखने को मिला और बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट हुआ। देन आफ्टर फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऐसा भी हो सकता है कि ये डबल करेक्शन में एंटर कर जाए। डबल करेक्शन में मतलब कि फिर ये जो हमारा रीडिंग है हम इसे चेंज कर लेंगे, ये WXYZ के फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो हमने इसे अब W कंसिडर किया, ये जो फॉल था इस अप मूव को X कंसिडर किया। इसको अब हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगर हम इसे Y कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे XX का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये 81% के आसपास आके XX का फॉर्मेशन हुआ और अब ये Z का फॉर्मेशन हो रहा है। तो Z जनरली 5 मूव में आता है, तो अगर हम काउंट करें तो आपको दिखेगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5th वेव चल रहा है। तो यहाँ पे है कि हो सकता है कि ये यहाँ से रिवर्सल बना दे, मतलब कि अगर ये 38% के ऊपर निकल जाता है, यहाँ फ्लैट खुलता है देन आफ्टर ऊपर निकल जाता है, तो फिर हम ये कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे जेड का फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ से अप मूव अब रिज्यूम करेगा। बट प्रोबेबिलिटी ये है कि ये नीचे को आए और यहाँ इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके कहीं पे जेड का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो अगर आप हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के देखेंगे तो हमें एक पिक्चर परफेक्ट यहाँ पे आपको एक शॉर्ट का ये दिखेगा छोटे टाइम फ्रेम में। इट मीन्स कि हम जल्दी पोजिशन अपना बुक करेंगे। अगर कल ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद इस स्विंग को ब्रेक करता है जो कि 81-82.50 के आसपास का लेवल है, अगर ये इसके नीचे निकलता है तो हम इमीडिएट शॉर्ट कर सकते हैं। हम इनिशियली यहाँ पे 2 से 3 पैसे का स्टॉप लॉस रखेंगे जो कि 82-52-53 के आसपास का इस स्विंग का स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ आने के बाद 82-47-75 के आसपास आने के बाद हम स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस पे ट्रेल कर लेंगे, मतलब अपने प्राइस पे ट्रेल कर लेंगे और देखेंगे कि ये 23% को ब्रेक करता है कि नहीं। अगर ये 23% का लेवल मतलब 82-47-75 के नीचे निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर हमें यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है 82-35 का। फिर अपने पोजिशन को होल्ड करेंगे, हमें यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। इनकेस अगर ये फ्लैट खुल जाए या थोड़ा गैप अप खुल के अगर मान लीजिए कि ऊपर को निकल जाए तो फिर हम यहाँ लॉन्ग के लिए प्लान करेंगे बट वो हम 38% के ऊपर करेंगे, मतलब कि 82.5575 के ऊपर निकलता है, एक 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है और कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो हम लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करेंगे, एल्स हम लॉन्ग USD में अवॉइड करेंगे। बट मेक श्योर कि यहाँ आने के बाद हम अपने प्राइस पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे कि अगर इनकेस ये यहाँ से घूमता है, अगर मान लीजिए कि ऐसा हो कि यहाँ आया ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन करके घूमे तो हम अपने पॉकेट से पैसा ना दें, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर रहेगा तो हम आराम से 0 प्रॉफिट 0 लॉस में एग्जिट करके फिर अपना ट्रेड को रिवर्स करेंगे अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो। तो ये USD का था। दूसरा अगर हम करेंसी पेयर देखें तो GBP में हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपका ये जो पैटर्न है ये A का फॉर्मेशन हुआ था, एक zigzag करेक्शन था, हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था। A कंप्लीट होने के बाद फिर हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था कि एक अप मूव आएगा जो B का होगा 81% के आसपास आएगा, अगर ये 81% के ऊपर निकलता है तो फिर हमें 111% तक का लेवल देखने को मिल सकता है जो कि आपका 103.90 के आसपास का है। तो यहाँ पे आने के बाद हमें एक सेलिंग देखने को मिला, गैप डाउन खुला, देन आफ्टर नीचे को आ गया नीचे को आ गया। बट अगर हम देखें ये A का फॉर्मेशन हुआ, B जो होता है जनरली हम हर बार डिस्कस करते हैं कि ये 3 मूव में आता है, तो ये आपका एक मूव बना, ये दूसरा बना और ये तीसरा मूव बन रहा है B का, तो ये 81% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 81% के नीचे नहीं आता हम तब तक यहाँ शॉर्ट के लिए प्लान नहीं करेंगे। बट हाँ, ये इतने अपर एरिया पे है, इतने अपर लेवल पे है कि यहाँ पे हम लॉन्ग के लिए भी प्लान नहीं कर सकते, तो हम वेट करेंगे। अगर GBP मान लीजिए कल या परसों 81% यहाँ पे 111% के आसपास मिलता है, इट मीन्स 103.90 के आसपास मिलता है, तो हम यहाँ पे इमीडिएट शॉर्ट करेंगे। जो हम स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ 10 पैसे का रखेंगे, फिर हम बड़ा टारगेट यहाँ से पोजिशनली प्लान करेंगे। फिर यहाँ पे हमें एक सी का फॉर्मेशन होता हुआ दिख सकता है, जो सी का फॉर्मेशन होगा वो नीचे कहीं इधर ये आपका 101.89 के आसपास में होगा, मतलब हमें पोजिशनली एक बड़ा मूव यहाँ से
देखने को मिल सकता है। तो पहले इसे 111% को रीटेस्ट करने दीजिए, जो कंजर्वेटिव है यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने के बाद हम शॉर्ट करेंगे, जो अग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ पे इस लेवल को टच करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एक 15 मिनट का नेगेटिव कैंडल भी अगर बनता है तो कैंडल के ब्रेकडाउन पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे। और जो हम टारगेट प्लान करेंगे, हम पोजिशनली यहाँ तक का टारगेट फिर हम प्लान कर सकते हैं जो हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। सो ऑल राइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वंस अगेन आई एम सॉरी कि मैं 5-6 दिन अवेलेबल नहीं था, मैं वेकेशन पे था, बट हाँ मेक श्योर कि मैं आज से रेगुलर हूँ, क्योंकि अभी मेरा कोई प्लान नहीं है बाहर जाने का, तो अभी मैं बिल्कुल रेगुलर हूँ, तो अभी मैं डेली वीडियो प्लस शॉर्ट्स आपके लिए मैं डालता रहूँगा। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।